हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और ये हमारी ई रिक्शा की बैटरी आई है जिनका बैकअप बिल्कुल जीरो है, जो आपको दिखा रहे हैं ये ठीक तरीके से। ये सभी बैटरी जो है हमारे ऑटो रिक्शा की हैं, बिल्कुल इनकी जीरो ग्रिप्टी है और बैकअप भी बिल्कुल है ही नहीं। आप देख सकते हो ये चारों बैटरी जो है ऑटो रिक्शा की हैं। अब इसमें हम हमेशा किसी मीटर से चेक करेंगे कि कितनी गिरफ्टी आ रही है। हमने सभी बैटरी की डांटें खोल ली हैं, अब हम बैटरी अपनी चेक करेंगे कि हमारी बैटरियों का बैकअप क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम पहली बैटरी चेक करेंगे। दोस्तों देखो, इस बैटरी में बैकअप बिल्कुल है नहीं। इसकी खास वजह क्या है कि बैटरी गिरफ्टी जीरो पे है तो बैकअप होगा ही नहीं। इसी प्रकार हम सभी बैटरियों का सेल चेक करेंगे टोटल, आप देखते जाएं। दोस्तों कोई तो दोस्तों ये चारों बैटरी कम से कम हमें 30 घंटे चार्जिंग लगानी है। 30 घंटे चार्जिंग के बाद तब इसमें जाके हमारी गिरफ्टी आएगी। आपको चारों बैटरियों का सोल्यूशन हम अलग अलग बता रहे हैं, सब में जीरो गिरफ्टी ही आ रही है। तो दोस्तों सभी बैटरी हमने आप देख सकते हो सीरीज में लगा दी हैं। अब वो यहां पे हम इसको कम से कम 30 घंटे चार्जिंग लगाएंगे। अब उसके बाद आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, अब हम बैटरी चार्जिंग लगाएंगे, आपको तुरंत दिखाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे पास अपना स्पेशल चार्जर था, किसी कारण वो चार्जर हमारा फूक गया, तो इस प्रकार से आपको देखना है, ये डाइगोट लेना है। आप देख सकते हो दो डाइगोट है, ये हमारा 6 एम्पियर के है, और जो सफेद वाला सिरा ये आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा प्लस का रहता। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस, इस प्रकार से हमें प्लस पे लगानी है। इस प्रकार हमने प्लस पे यहां पे लगा दी। फिर उसके बाद ये एक जो वायर जो हमारा डाइवोट कर रहा है ये हमें यहां पे लगा देना है करंट पे, ये हमारा करंट पे हो गया। तो दोस्तों चिमटीदार इसी प्रकार से हमें थोड़ा तार लेना है जो यहां पे हम लगाएंगे इस टाइप से दूसरा। देखते जाइए दोस्तों किस प्रकार से लगाएंगे ये। तो दोस्तों ये हमारा हो गया मीटर मीटर, तो आप देख सकते हो बाकी हमारा ये नीला वाला वायर बचा है। तो एक तो हमारा वायर हो गया उसका क्या नाम डाइगोट वाला, और दूसरा हमारा जो वायर होता है ये हमारा मीटर का वायर है। मीटर ये हमारा मीटर आप देख सकते हो, ये हमारा पावर कंपाउंड है, ये पावर कंपाउंड है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने चार्जिंग लगाई है, और दूसरा यहाँ पे हमने जो अर्थ दिया है। तो दोस्तों ये हमारा जो वो वाला तार है जो घरेलू यूज में हमेशा हीटर वगैरह चलाते हैं, तो ये एक तार हमने लिया जो मीटर से निकल के आता है इस प्रकार से काला वायर, एक इस सिरा बांधना है, दूसरा तार अर्थ के लिए इस सिरा बांधना है, और ये वाला तार हमारा देखो ये माइनस पे आ गया। ठीक, तो ये माइनस हुआ, ये हमारा प्लस हुआ। तो अब हम देखेंगे हम 20 से 30 घंटे चार्जिंग लगाएंगे अपनी बैटरियों, बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। 30 घंटे चार्जिंग बाद देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो दोस्तों हमारी ये सभी बैटरी 30 घंटे चार्जिंग हो चुकी हैं। 30 घंटे चार्जिंग बाद अब हम दिखाएंगे कि क्या सोल्यूशन निकला। और ये आपको हम बता दें, ऐसा नहीं कि चार्जर के ये काम करता है, लेकिन दोस्तों ये काम करने में थोड़ा खतरा ज्यादा है, तो प्लीज आप सावधानी बरतें। तो आप देख सकते हो बाकायदा इसकी 30 घंटे हमने नॉर्मल चार्जिंग की है, धीरे धीरे ये हमने 4 एम्पीयर यहाँ चार्जिंग लगाई है। 30 घंटे भी दोस्तों काफी होते हैं एक बैटरी के लिए। वैसे अगर बड़े बड़े चार्जर अगर ये हम लगाते हैं चार्जिंग, तो 30 घंटे तो नहीं लगते, ये 12 या 13 घंटे में चार्जिंग हो जाते हैं। लेकिन हमने आराम से अच्छी चार्जिंग करते हुए 30 घंटे चार्जिंग की। उसके बाद आप बैटरी की तरफ देखें कि हमारा क्या सोल्यूशन है। दोस्तों आप पूरी तरीके से देख सकते हो कि बैटरी हमारी
सब रेडी है। इधर आप देख सकते हो जो बैटरी बिल्कुल खोल नहीं रही थी उससे पहले मैंने आपको दिखाया, ये आप देख सकते हो पूरी बैटरी रेडी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। चौथी भी बैटरी हमारी रेडी। अब हम इसमें चेक करके आपको बताएंगे कि ग्रिप्टी कितनी आई। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था ग्रिप्टी बिल्कुल जीरो थी। तो दोस्तों हम मीटर लाए हैं, ये हमारा ग्रिप्टी मीटर है। तो दोस्तों हमने अक्सर अपनी वीडियो में देखा है, हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि वो कौन सा मीटर होता है कि जिससे हम ग्रिप्टी चेक करें। तो दोस्तों आप दोबारा से फिर से देख ले, ये हमारा ग्रिप्टी मीटर है जिससे मैं ये पता लगता कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है या नहीं है, यही बताएगा कि हमारा तेजाब कितना सही है या नहीं। खराब होने का भी इसी से ही पता लगता कि हमारी बैटरी कितने पे खराब होती और कितने पे सही होती। तो दोस्तों हम ग्रिप्टी चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ग्रिप्टी हमारी 100% बिल्कुल रेडी है। सभी सेल हम चेक करेंगे, चारों बैटरी में चेक करेंगे हम। दोस्तों चारों बैटरी की हमने ग्रिप्टी चेक कर ली, हमारी ग्रिप्टी पूरी 100% ठीक है। तो दोस्तों हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे ऑटो रिक्शा वाले भैया हैं, 6 या 7 महीने बाद ये हमारी बैटरी डैमेज हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये बैटरी डैमेज नहीं होती हैं। आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका ऑटो रिक्शा बैकअप ना दे तो सबसे पहले आप ग्रिप्टी चेक करें। ग्रिप्टी चेक करने के बाद अगर कोई दुकानदार अच्छा है जो बैटरी को ग्रिप्टी उठा सकता है तो उठाए, वरना मैंने आपको काफी वीडियो में बताया कि आपको कैसे चार्जिंग लगानी है, क्या करना है, ग्रिप्टी उठा लो। इतनी जल्दी बैटरी नहीं खराब होती, लेकिन हर दुकानदार ये कह देता है ग्रिप्टी उठाने की झंझट के चक्कर में ये कहता है ये बैटरी आपकी खराब है, आप दूसरा सेट लगवा दो। तो आप 6 से 7 महीने में बैटरी ये गारंटी वाली उतार दे तो इसलिए आपको नुकसान बहुत ज्यादा होता है। हमारी वीडियो बनाने का दोस्तों सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले भैया है वो अपनी बैटरी चेक करे, खुद चार्जिंग लगा ले, ग्रिप्टी उठा ले, बैटरी ज्यादा समय तक आप चला सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। जो कि हमारे छोटे स्तर के जो भैया लोग हैं ऑटो वगैरह चलाते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान भी होते हैं, तो इस चक्कर में सिर्फ उनके लिए वीडियो शेयर करें, हमारे लिए ना करें।